बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की गई है, जिसके तहत अब आंगनवाड़ी केंद्रों को भी प्ले स्कूल की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। दरअसल भागलपुर के नवगछिया कदवा प्रखंड अंतर्गत पकड़ा टोला में जिले का पहला मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया है, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस आंगनवाड़ी केंद्र में मनरेगा के तहत बाल तकनीक का उपयोग किया गया है, जबकि केंद्र के अंदर और बाहर बने रंग बिरंगे चित्र और पेंटिंग बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जिससे छोटे बच्चे पेंटिंग बनाने को लेकर प्रेरित हो सकेंगे। वहीं इसको लेकर आंगनवाड़ी सेविका मधुरानी देवी का कहना है कि इस तरह के आकर्षक माहौल में बच्चों की पढ़ाई में ज्यादा रुचि होती है और वे आसानी से खेल खेल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जान सकते हैं। इधर भागलपुर के उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग ने कहा कि यह बिहार का पहला मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र है, जबकि आगे भी इसी तरह के और भी मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, जहां मनोरंजक माहौल में शिक्षा और कला के बारे में बचपन से जान सके। डीडीसी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों के आकार से लेकर रंगों तक का चयन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कई प्ले स्कूल में पेंटिंग और तरह तरह के चित्र बने होते हैं, उसी तरह से सभी आंगनवाड़ियों को मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कराया जाएगा। 2-2.5 महीना हो गया है सर, हुआ पहले हड़ताल में थे, तो हड़ताल में हड़ताल खत्म हुआ तो उसके बाद हम केंद्र खोले हैं और चला रहे हैं। पहला केंद्र है सर, सुनने में आया बिहार का पहला ये मॉडल केंद्र है। पहला मॉडल केंद्र है सर, ये पढ़ाने में भी सुविधा होता है बच्चा सबको, और फिगर देख देख करके अच्छा से पढ़ा लेते हैं, बच्चा भी समझ लेता है। अभी बच्चा 35 बच्चा है सर। मेन कारण आपको दिख रहा है इसी की मौसम खराब है सर, इसीलिए जो है ना, और वर्षा के कारण से बच्चा 2-4-5 को कम आया है, नहीं तो बच्चा एकदम 30-35-40 का लमसम बच्चा है। खाना पीना समय पर मिलता है और बनता है, जो बनने का है सर टाइमली मिलता है और बनता है, जो मेनू के अनुसार हम बनाते हैं पोषाहार और बच्चों को खिलाते हैं समय पर। विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर रविवार को मानवाधिकार सुरक्षा एवं सतर्कता परिषद की ओर से अधिकार बनाम दायित्व विषय पर एक परिसंवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम सुगंध ने की। इस दौरान अपने अध्यक्षीय संबोधन में सलीम सुगंध ने कहा कि अधिकार एवं दायित्व की सही परिभाषा मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जाना है, लेकिन हर क्षेत्र में इसका अभाव दिखाई दे रहा है, जो मानव अधिकार पर कई प्रश्न खड़े कर रहा है। वहीं अभियंता जफीर अहमद, डॉक्टर कमर अमान, मुन्ना खान एवं मुनाजिर करीम ने मानवाधिकार दिवस पर कहा कि दायित्वों की पूर्ति के बगैर अधिकार की कल्पना करना व्यर्थ है, और इसके लिए सिर्फ सरकार को जिम्मेदार बताने के बजाय हम सभी को इसके प्रति जागरूक होकर कार्य करना होगा। परिसंवाद में नीता कुमारी और असगरी बेगम ने कहा कि सभी क्षेत्रों में न केवल महिलाओं के अधिकार की अनदेखी की जाती है, बल्कि उनके साथ कई तरह के अत्याचार एवं उत्पीड़न भी किया जा रहा है, जो समाज और देश के हित में नहीं है। वहीं अरुण कुमार, रामकिशोर सिंह समेत कई लोगों ने कहा कि यदि हर इंसान अपनी जिम्मेवारियों को निष्ठापूर्वक अदा करने लगे तो उनका अधिकार स्वतः ही उसे प्राप्त हो जाएगा। मौके पर मोहम्मद एजाज इकबाल, मोहम्मद तबरेज शमशेर आलम, मोहम्मद राशिद अंसारी समेत कई लोगों ने अपनी बातें रखी। भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ बिहार के संयोजक विंध्याचल राय ने भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री भीकुभाई दलसनिया के निर्देश पर विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारियों और कार्य समिति की घोषणा कर दी है। इसको लेकर विधि प्रकोष्ठ पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा विंध्याचल राय का स्वागत बूके और अंगवस्त्र देकर किया गया। बताया जा रहा है कि विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विंध्याचल राय ने नई कमेटी का गठन सभी वर्गों को ध्यान में रखकर किया है, जिससे संगठन को मजबूती मिले और आने वाले दिनों में पार्टी को इसका लाभ मिल सके। विंध्याचल राय ने कहा कि नई कमेटी में शामिल सदस्यों के अनुभव और क्षमता का पार्टी को काफी लाभ मिलेगा। बता दें कि कमेटी में कृष्ण मुरारी प्रसाद को विधि प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि भोला कुमार मंडल को सहसंयोजक बनाया गया है। वहीं नई कमेटी में शामिल पदाधिकारियों और सदस्यों को विधि प्रकोष्ठ के द्वारा शुभकामना भी दी गई।
अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर के कार्मेल स्कूल प्रांगण में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, विशिष्ट अतिथि बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा, स्कूल की प्राचार्य सिस्टर सेंड्रा, सिस्टर मोरिशियन और उप प्राचार्य सिस्टर आशा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का आयोजन हर्ट्स ऑफ हार्मनी सेलिब्रेटिंग पीस एंड कंपैशन के थीम पर किया गया, जिसमें जूनियर एवं सीनियर कक्षा के छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान छात्राओं के द्वारा मनमोहक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिसकी कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भरपूर सराहना की। वहीं समारोह में स्कूल के 10वीं और 12वीं कक्षा की टॉपर स्टूडेंट माजना खान और अर्पिता दास और जिया कुमारी समेत कई छात्राओं को सम्मानित किया गया। मंच संचालन सृष्टि, अन्वेषा, मायशा और श्रेया समेत स्कूल की कई छात्रों ने मिलकर किया। इसको लेकर स्कूल के मीडिया प्रभारी राजेश कुमार शाह ने बताया कि 10वीं की टॉपर छात्राओं में भार्गवी दिव्यम, खुशी कुमारी, अदीबा, महावीश खान और कोमल शाह को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि 12वीं की छात्रा शांभवी वत्स, श्रुति दुबे, निशा नुपुर, कंगना और मोनिबाहू खान एवं आजरा असरफिया को भी विद्यालय प्रबंधन द्वारा सम्मानित कर भविष्य के लिए उत्साहवर्धन किया गया। वार्षिक समारोह के दौरान स्कूल के सभी शिक्षक, शिक्षिका, नॉन टीचिंग स्टाफ, बैंड और म्यूजिक की टीम के सदस्य और कला की छात्राओं ने अपनी सहभागिता दी, जबकि कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने विद्यालय प्रबंधन को शुभकामना देते हुए सभी छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।